खामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर विधानसभेचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार संजय गरुड यांच्या प्रचारार्थ सभा घेण्यात आली। नामदार महाजनांनी गेल्या 25 वर्षांपासून विकास कामाच्या फक्त घोषणाच केल्या, प्रत्यक्षात मात्र कृती शून्य असल्याचा आरोप करत येत्या विधानसभेला जामनेर तालुक्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार संजय गरुड यांना सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी करा असे आवाहन माजी नगराध्यक्ष पारस ललवाणी आणि आरोग्य दूत प्रफुल्ल लोढा यांनी या सभेत केले आहे। देवरस या अभी का भागवत इनका हिंदुत्व नहीं मानेंगे, हम हिंदुत्व मानेंगे। चाहो फुले अम्बेडकर, पवार साहब, शिवाजी महाराज का हिंदुत्व मानेंगे। और ये हिंदुस्तान के, ये महाराष्ट्र के तख्त पे कौन बैठने वाला? ना पारस सेठ बैठेगा, ना गफ्फार बैठेगा, दूसरे कोई हिंदू बैठने वाला है दोस्तों। पर हमको अच्छा हिंदू चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, संजू दादा गरुड़ का 4 नंबर का बटन दबा कर उनको अक्षरितीय वोटों से कामयाब बनाओ। या आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे रजा लेता हूँ। पर फिक्र करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। तुम 313 वाले हो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा फैसला तो आपके इसी सरजमी पर होगा, फैसला तो आपके इसी सरजमी पर होगा। हमसे कोई दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। यहाँ पैदा हुए यही मरेंगे, यही गढ़ेंगे। हमको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। 4 मिसरे कह के मेरी बात को खत्म करता हूँ। घड़ी को कामयाब बनाओ और देखो तारीख बनाओ जामनेर वाले। वैसे भी तुम्हारा जामनेर नहीं, नाम क्या है असली? परत सेठ। जामे नूर है, यहाँ नूर बरसता है। जाम का ओरिजिनल जाम का नूर बरसता है। तारीख बनाओ, इतिहास बनाओ और कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। 4 पिसरे कह के मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से ये इस्लाम सिखाता है, वफादारी ये वतन से ये इस्लाम सिखाता है। दिल के हर गोशे में हम हिंदुस्तान रखते हैं। माना जब बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म ही काफी हमें बेदार करने को, तुम्हारा जुल्म ही काफी हमें बेदार करने को। जो लोहा जर्ब लगता है वही तलवार बनता है। अल्लाह टपरी धारकांसाठी कॉम्प्लेक्स बनवलं, त्या बीओटी कॉम्प्लेक्स मध्ये 25 लाख 30 लाख रुपये किंमत आहे। टपरी छाप हा जास्तीत जास्त दिवसातून 500 रुपये कमवू शकतो। जो व्यक्ती 500 रुपये कमवू शकतो त्या परिवारावर तो लक्ष घालवू शकतो। त्या 500 रुपयामध्ये हा 25 ते 30 लाखाचं दुकान घेऊ शकतो का? हा टपरी छापाला काय किंमत आहे? टपरी हजार लोकांची त्याची ओळख टपरी छाप होता। या माणसानं टपरी छाप लोकांना न्याय देऊ शकला नाही। जामनेर शहरामध्ये सांगतो की मी विकास केला, 25 जीरोंगारे भी घूमो, सही बात है कि झूठ बात है? मदनी नगर में जाओ, बिस्मिल्ला नगर में जाओ, कोट महल्ले में जाओ, जामनेरपुरे में जाओ और हमारे कोई कॉलोनी के अंदर जाओ, पैदल तो भी इंसान जा सकता क्या? और ये भाई बोलता कि मैंने विकास किया। विकास कौन सा किया? खाली पैसे का किया, खुद के पेट के लिए किया? इधर मोहल्ले के अंदर पहला आदमी था बीजेपी के कार्यकर्ता नाजी सेठ, लकड़ी वाले भाई। ऐसे ईमानदार लोगों को उन्हें टिकट भी दिया क्या? और उन लोगों के खांदे पे रख बंदूक के रख के इधर मोहल्ले में बीजेपी को वोटिंग करने को लगाया। तुम करते थे क्या बीजेपी पे वोटिंग पहले? ऐसा आदमी इन्होंने, नाजू शेठ हो गए, कैलाश शेठ हो गए, शिवाप्पा हो गए, ये इनके पहले जिगरी दोस्त थे। ये आदमियों ने इनके लिए खून पानी किया, खून बहाने का काम किया, घाम करा। वो आदमी को न्याय मिला क्या किसको?
भाई झूठ बोलता होगा तो मेरे को बोलना, ये आदमी जिन लोगों को दोस्ती करता है वो दोस्ती के थाली में सुधा घान करता है, ऐसे आदमी को अभी चुन के देने वाले है क्या आप? जो आदमी मंत्री बना वो आदमी ने किसी को भी अंदर डालने का काम किया जेल में, एक ही काम किया उन्होंने विकास। आपल्याला घड्याळ हे निशाणी चार नंबरवर आहे, घड्याळ नंबर चार नंबर तो बटन दाबून त्यांना विजय करा। वो कहीं गए थे पैसे लाने के लिए, वो भी तुमको मालूम है, हम भी मालूम है, कम से कौन से परिवार से थे, वो कौन से परिवार से तुमको मालूम है, किसके पास क्या दौलत थी क्या नहीं थी अपने को मालूम है। वो नेहजी भाई इनके पेट्रोल के लिए पैसे जमा करते थे 95 के अंदर कि भाव के गाड़ी में डीजल नहीं, डीजल डालने को पैसे दो। वो नेहजी भाई अभी लकड़े काटने का भी छोड़ दिया उनको और अभी साइड में कर दे कि जाओ पलंग पे सो जाओ। मैं इसने बड़ा किया उसको कभी हुआ ही नहीं, हमने ही बड़ा किया था 95 में, हमने इनको आमदार बनाया था, हमारे काका को गिराया था, सगे काका को गिराया था और इनको आमदार बनाया था हमने, हमको भी हुआ नहीं, हमको भी जेल में डालते बैठा। अरे हम क्या बदमाश गुंडे है क्या? मेरे पे इतने केसेस करी, इतना मेरे को छह चपड़ चालू, काय के लिए चालू है? तो स्कूल के लिए। वो क्या स्कूल क्या झुंबर सेट किया क्या? क्या मेरे बाप दादा की है वो? वो ये गांव के जनता की स्कूल है, तुम्हारी अपनी स्कूल है, तुम्हारे अपने बच्चे वहां पढ़ते हैं और वो तुम्हारी अपनी स्कूल। हम एक अच्छा स्टैंडर्ड करके चलाते थे जिसमें अच्छे से अच्छे बच्चे आते थे। मेरे को कई बार मुश्ताक भाई, न्याजू भाई, कई अपने मुस्लिम भाइयों के फोन आते थे, भैया इसका एडमिशन कर दो, 10,000 रुपए लग रहे हैं, 2,000 में कर दो, 1,000 में कर दो, 800 में कर दो। हमने कभी भी नहीं बोला, नहीं अगर गरीब होगा तो उसकी एडमिशन फुकट कर दूंगा, ये पूछ लो सबको। और मैं अभी आपको बोलता हूँ सबको, जो भाजपा का काम कर रहे हैं उनको भी बोलता हूँ सबको, अपने इसको जागा रखो, अपने जमीन को जागा रखो, अपने जमीन को जागा रखो। भाइयों तुम मेरी बात को समझ में ले लो, ये अभी वापस ये मौका आने वाला नहीं है। तुम अगर ऐसे ही डरते रहोगे और ऐसे ही डर के तुम मतदान करते रहोगे, ऐसे ही कुछ लालच में आके मतदान करते रहोगे तो ये तालुके को, ये गांव को, अपने को, सबको यही हाल भुगतना पड़ेगा। अब संजू दादा खड़े हैं, संजू दादा अभी ये चौथे बार अपन इलेक्शन लड़ रहे हैं, दादा को भी तीसरे बार अपन इलेक्शन लड़ रहे हैं, दादा को भी तो अपन ने दो बार गिरा दिया, अपन ने गिराया नहीं, जनता ने गिराया, जो भी अपन उनके चक्कर में आगे, ये आदमी इतना बुरा आदमी नहीं है। अरे एक बार तो तुम दो चांस, एक बार चांस देके देखो ये लोग कैसे, इसका तजुर्बा करो, उसके बाद में तुमको समझ में आएगा कि क्या सच्चा और क्या झूठा है। इनको कुछ भी नहीं आता, इन्होंने कोई विकास किया नहीं, विकास का इनके पास कोई विजन नहीं, एक भी फैक्ट्री चालू नहीं, एक भी कारखाना चालू नहीं। वो स्टार फैक्ट्री चालू थी, वहां 3,000 कर्मचारी थे, वो स्टार फैक्ट्री को इन्होंने उल्टे लगा लगा के वो मालक को परेशान करके, वो मालक स्टार्स फैक्ट्री बंद करके भाग गया इचलकरण जी को, वहां भी 3,000 लोगों के काम चले गए, 3,000 लोग वहां पेट भरते थे, उनका भी धंधा चले गया। भैया और तुम मेरी बात को समझ लो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें भी बात को समझो, सबको तुमने चांस दिया है, एक बार ये जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति अपने शहर से उखाड़ के फेंकने की, तुम्हारे को बहुत जरूरत है, हमारे को बहुत जरूरत है। क्या है विकास, विकास, विकास जब बोलते जब विकास की बात करते, क्या विकास क्या है जामनेर में बताओ ना, जामनेर का विकास बताओ। इकड़े 100 कोटी आणले, तिकडे 50 कोटी आणले, तिकडे 150 कोटी आणले, तिकडे 200 कोटी आणले, जब आएंगे जब ऐसे आकडे सुनेंगे तुम, 100, 200, 500, 1,000 कोटी, 2,000 कोटी। अरे पैसे कहाँ गए, काम कहाँ है, एक रास्ता ठिकाने पे नहीं है, एक ट्रैफिक ठिकाने पे नहीं है, अतिक्रमण बढ़ गया है सब शहर में, ये सब तुमको दिख रहा है और हम फिर भी सह जा रहे हैं, कोई भी आवाज नहीं निकालता, कोई रास्ते पे गिर रहा है उसका पाव टूट रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, 50,000 लग रहे, 1,00,000 रुपए लग रहे, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई किताब नहीं, उसको कोई पूछ रहा नहीं, फिर भी अपन उसको सहे जा रहे, सहे जा रहे। नगर पालिका में क्या पोजीशन है, मैं जब नगर अध्यक्ष था, जब मेरे खुर्ची को हार डालने को अपने कुछ भाई लोग आए थे, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन अभी बताओ तुम नगर पालिका हो गया 2 साल हो गए, इसके पहले 1 साल से काम चालू थे, रोड के अभी तक काम पूरे हुए नहीं 3 साल में, अभी नगर पालिका में 2 साल में नगर अध्यक्ष एक दिन में नगर पालिका में नहीं आते हैं, एक मीटिंग नगर पालिका में नहीं होती है, ये नगर सेवकों को सबको जाके जैसे साइन करना पड़ती है वैसे साइन करके घर को आना पड़ता है, कोई अपना मत नहीं मान सकता है, कोई अपनी बात को नहीं रख सकता है, कोई अपना काम नहीं कर सकता है। मैं क्या बोलता, क्या ये दहशतवाद है, ये दहशतवाद को हटाना बहुत जरूरी है। अभी भी मेरी बात को समझो, मैं फिर से बोलता हूँ आपको, ये सब राजनीति का उल्लू सीधा करने की बात है,
इनको राजनीति में यही मालूम है, कहीं पिस्तौल निकालना, कहीं ट्रैक्टर चलाना, कहीं बस पे बैठ जाना, कहीं ट्रक चलाना, ये कोई आमदार का काम थोड़ी है, ये एक मिनिस्टर का काम है, ये आम जनता का काम है। लेकिन हमको क्या है, हमारा कहीं तो व्हाट्सएप में आने को ना कि सांप पकड़ लिया, घोरपड़ पकड़ लिया, कुत्ता पकड़ लिया, अरे ये कोई काम है? एक मंत्री का काम है क्या घोरपड़ पकड़ना और सांप पकड़ना? गारोड़ी पकड़ता है सांप, ये गारोड़ी है, और फिर भी अपन सहे जा रहे। अभी कल से तो उनके दुकान खुलने वाली, आज देख लिया इतना माप है ऊपर नीचे, अभी दुकानदारी जोर से चालू हो जाएंगी कल से, छोड़ना मत। मैं तुमको कसम खा के बोलता हूँ, छोड़ना मत दुकानदारी को, ये दुकानदारी को ऐसी आदत डालना कि वापस फिर से इधर मोहल्ले में आने की हिम्मत नहीं करने को ना। मामड़न समाज के लोग एक बात बहुत अच्छी तरह से सुन लो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है जब तुमको बुलाया जाता है। मामड़न समाज के लोगों को अगर उनका कोई वो गया हुआ या पकड़े गया तो उनको मारे जाता है, पीटे जाता है, पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। पर ये तो गौस मांडे की पंगत में से चलते हैं, ये कैसे चलता है? अगर नहीं चलता तो नहीं चलना चाहिए, विरोध करना है तो 100% करना चाहिए, पर तुमको मत के लाचारी के लिए सब कुछ चलता है। जब ईश्वर वहां खड़ा था तो मियां भाई के मत नहीं होना था, अभी क्यों मियां भाई के मत होना? मेरा मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के, मेरे सब दोस्त है यहाँ पे, मेरा किसी को कोई गिला शुभा नहीं, पर जो दोस्त उधर भी है उनको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस टाइम जो फतवा आएगा वो मस्जिद के मुल्ला का नहीं, अल्लाह की दरबार से आएगा, और वो फतवा रहेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ियाल निशानी पे सिक्का जाएगा। और मुझे मालूम है अभी दिवाली का मौसम है, तुम्हारे हमारे नाम पर ये लोग बड़े हुए हैं तो इनकी दिवाली आने दो, रुमाल इनके ही पहनो, पर जब मत देंगे तो अल्लाह का फरमान सुनना, अपने दिल की आवाज सुनना, और फिर संजू दादा को मत देना। अगर हमने गलत बोला होगा, गलत किया होगा, अरे मैं एक आंडू पांडू मारवाड़ी, मैं स्वाभिमान रखता हूँ, मैं फ्लाइट में से छोड़ के बिना गाड़ी के बिना टायर के गाड़ी में बैठता हूँ, और तुम इतने बड़े समाज के नेता हो के वो अल्लाह ताला की तरफ देखो क्या तुम्हारा अपमान है? छोटी छोटी बातों के लिए तू 5-5 घंटे वहां बैठते थे, तुम्हारी सुनी नहीं जाती थी, आला फोन साला मुंबई, क्या हालत थी तुम्हारी, क्या हालत थी? थोड़ा बहुत तो भी ऊपर वाले को याद करो, अपने वजूद को ख्याल करो। जमीर जिसका बेचे जाता है उसका ना अल्लाह होता है, ना भगवान होता है, ना धरती होती है, उसको जो कब्र मिलती है वो भी शैतानों की मिलती है मेरे यारों। मेरा सिर्फ सभी समाज के सभी धर्म के लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि अपना स्वाभिमान जागृत रखो, अपने अल्लाह होगा, भगवान होगा, हर समाज का आदमी है होगा, उसको याद करो। क्यों कि स्वाभिमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने देखा है नेहरू भाई मेरा जिगरी दोस्त है, कल भी था, आज भी है और रहेगा भी, पर कभी एक ही नारा था उसका, सूखी रोटी खाएंगे बहू को लाएंगे। पर जब नेहरू के वहां रोटी थी तो इनके वहां रोटी नहीं थी, अब इनके वहां रोटी है तो नेहरू को देखने को तैयार नहीं। मेरा कहना इतना ही है क्या, जिन लोगों ने तुमको पढ़ाया, जिन लोगों ने तुमको मान सम्मान दिया, आज वो अलग हो गए, और जो बाकी नहीं बोलता मैं, कुछ मेरा दोस्त खाने का मामला है, ज्यादा नीचे जाके नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं भी उनका साथी हूँ, पर मैं मान सम्मान बेचने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। मित्रों मेरे को कोई लेना देना नहीं। अरे इकबाल भाई जैसा आदमी, अभी आपको मालूम है किसका सौदा 5 लाख में होता है, किसका 10 लाख में होता है,
पर सब लाभ छोड़ के ये आदमी ने बिना एक रुपए लिया दिया, बोले घर से सेठ मेरे पास जो होंगे 5,000 लगा दूंगा पर तुम्हारा साथ ही रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने ये बोला है, रोटी खाना है तो ईमान की, रोटी खाना है तो ईमान की, जीना है जिंदगी में तो अपने वजूद को रख के जियो। वजूद बेच के जो रहता है वो इंसान क्या होता है, वो हैवान कहलाने के लायक भी नहीं होता। ऐसे मेरे दोस्तों भाइयों आप ख्याल रखिए, कितने भी पैसे आने दीजिए, कितना भी प्रेशर आने दीजिए, पर अपना मान सम्मान जागृत रख के आने वाले 21 तारीख को आपको अल्लाह का फरमान आने वाला है। क्या आपको सिर्फ घड़ी का बटन दबाना है? यही मैं आपको नम्र विनती करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र। 2014 तक बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया और 2014 के बाद से लेकर आज तक स्टूडेंट्स को उनकी स्कॉलरशिप भी नहीं मिली, तो एजुकेशन से पीछे कौन रख रहा है? मालूम है अगर ये लोग पढ़ लिए, ये लोग अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए तो इनमें अपने हक को पाने की और चाहत बढ़ जाएगी, ये अच्छी जिंदगी गुजारना चाहेंगे। इनके लोग अपने अपने पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जो है तो रोजगार मांगने शुरू करेंगे, और ये रोजगार अगर इनको मिल गया तो फिर हमारे पीछे कोई नहीं आने वाला है, फिर ये हमारे गुलाम नहीं बनेंगे, फिर इनके अंदर हम जो है तो लड़ाइयां लगाएंगे तो इनको एहसास होगा कह रहे ये तो फालतू काम है। क्योंकि जब हम काम को जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं तो वहां पर सभी जात धर्म के लोग मिलते हैं, काम करने वाले सारे साथी हैं, तो सारे त्यौहार बराबर मिलाते हैं, जब किसी का बर्थडे होता तो सब लोग मिल करके उनको मुबारकबाद देते, तो फिर ऐसे में तो मोहब्बत परवान चढ़ती है और इनका धंधा तो नफरत से चलता है, ये नफरत कहां बनेगी? तो इसके लिए ऐसे हालात पैदा किए कि सारे लोग गुलामी की जिंदगी जिए और उनके ऊपर ऐसे ज्यादा से ज्यादा जो है तो माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है कि हर आदमी जो है तो रोजी रोटी के लिए परेशान है। और रोजी रोटी के लिए परेशान इसलिए किया जा रहा ज्यादा से ज्यादा कि अगर ये रोजी रोटी के लिए परेशान रहेगा तो बाकी दूसरी चीजों के बारे में सोचेगा ही नहीं, फिर ये अपने बच्चे को जो है तो गैरेज पे भेजेगा, आरती के काम पे भेजेगा, मिस्त्री के काम पे भेजेगा, दूसरों के यहाँ पर जो है तो नौकरी करने के लिए भेजेगा, और ऐसी नौकरी करने के लिए भेजेगा कि जिससे जो रिस्क आएगा, जो रोजी आएंगे, जो रोजगारदारी मिलेगी उससे उससे घर नहीं चलेगा, उसमें भी पूरा नहीं होगा, तो फिर ये 5-25 हजार के लिए इनके किसी साहूकार के लिए, इनके जैसे किसी आदमी के लिए जो है तो मजबूर रहेगा, फिर बीमार होगा उनके घर का बच्चा तो इनके दरवाजे पर खड़े रहेंगे, फिर इनके घर में कोई परेशानी खड़ी होंगी तो इनके दरवाजे में इनकी मदद के लिए परेशान होंगे। इन्होंने जो दलाली का सिस्टम शुरू किया है, ये जो हर कार्यालय के अंदर जो ऑफिसर इतने बेलगाम हो गए तो क्यों हुए मालूम? वो सारे ऑफिसर भी ईमानदार हैं, वो सबके सब जो है तो जब जॉब के लिए इंसान जब अप्लाई करता है, जब सरकारी नौकरी करता है, जब ये करता है, तो हर बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसके दिल में ये उम्मीद होती है कि अपने मुल्क की खिदमत करेगा और अपने लोगों के लिए अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करके उनकी जिंदगी सुखी करने का काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि जब वो जॉब पर लग रहा था ऐसे लोग 25-25 साल 30-30 साल से जो है तो बैठे हैं कि इन्होंने जो है तो ऐसा सिस्टम डाला जब कोई ऑफिसर अपनी मर्जी से काम करने लगे ना झट उसके कान खींचना चालू, उसको मजबूर करते कि तुम बेईमानी करो। क्यों? क्योंकि वो बेईमानी जब करेगा, जब वो किसी का काम नहीं करेगा तो इनके जो एजेंट है वो एजेंटों के दलाली का धंधा उरूज पर आएगा और फिर लोगों को लगता है कि ये बहू का आदमी, ये दादा का आदमी, ये काका का आदमी, ये नाना का आदमी, और इसके काम होते हैं और ईमानदार आदमी लाइन में खड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक नगर पालिका के अंदर एक डिपार्टमेंट है स्वर्ण रोजगार योजना, वो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में से मेरे को बोलो यहाँ पहुंचो, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ लोन के लिए और 5-5 साल हो गए उनको लोन कोई पूछ नहीं रहा, इनको करना क्या है? सिर्फ सिफारिश मार के देना है, बैंकों को बोलना है कि इस आदमी ने जो है तो हमारे यहाँ पे नाम लिखा है और वो रोजगार चाहता है, उसको रोजगार के लिए अगर कुछ लोन चाहिए, तुमसे कर्ज मांग रहा ना जो वो पूरा भरेगा, वो कर्जा भी नहीं मिलता। अरे बैंकों में अकाउंट ओपन करने के लिए पहले तो जब आधार कार्ड की योजना जब नंदन नीलकेनी और मनमोहन सिंह जी के इससे संकल्पना से आई तो ऐसे लोग आज भी जिंदा है, अपने बीच में है, हो सकता है इस मजमे में भी कहीं खड़े होंगे जिन्होंने जो है तो हर जगह ये बोला कि ये चीज गलत है करके, और बाद में क्या हुआ जब ये लोग सत्ता में आए ये झूठ बोल करके तो इन्होंने बोले कि इसके बगैर तो भारत का वजूद ही नहीं, जिसका आधार कार्ड नहीं वो आदमी च नहीं, वो जिंदा ही च नहीं, उसको हम इंसान मानने को तैयार ही नहीं, और इसी के लिए जो है तो नया चीज क्या ले अभी वो NRC और वो पता नहीं वो क्या क्या चीजें पैदा किए ताकि हर एक को लगे कि वही चीज इंपॉर्टेंट है। अब वो आधार कार्ड इंसान के लिए बना कि इंसान आधार कार्ड के लिए बना, वो आधार कार्ड के लिए इतना परेशान है कि हर चीज को उससे जोड़कर देखा जा रहा, 2,000 रुपए के वास्ते जो है तो इंसान से इतने चक्कर लगवाए जा रहे हैं किसानों को कि उसका वो 2,000-4,000 रुपए उसका उसके अंदर खर्चा हो जा रहा, रोजंदारी अलग जाती जिस दिन वो जाता है बैंकों में, तो अपने बैंक के अकाउंट ओपन नहीं कर सकते,
इन लोगों को बोलो तुम कि तुम अकाउंट ओपन करके दो, तो ये कार्यकर्ता तक अकाउंट ओपन करके नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि धंधा टूटता। अगर सबके अकाउंट सीधे से अच्छे से हो जाएंगे तो कोई इनके दरवाजे पे खड़ा नहीं रहेगा। तो ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है कि नहीं? मुल्क जो है, हमारा जो संविधान है, वो संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, कि हम भारत के नागरिक, यानी नागरिक, नागरिकों की जो है तो ज्यादा अहमियत है इस मुल्क में, उससे ये मुल्क बनता है। हमने मुल्क बनाया और उस मुल्क के अंदर नागरिकों की कोई वैल्यू नहीं, जानवरों की वैल्यू पैदा हो गई है। वो जानवर के नाम पे नागरिक को पूछ रहे, अरे तू गाय के पास खड़ा था, तू बैल के पास खड़ा था, तू इसके पास खड़ा था, पकड़ो उसको, जमा करो, सबके सब 10-12 जने मिलो, मारो, बच गया तो ठीक है, मर गया तो भी ठीक है, क्योंकि इनके दिल के अंदर सुकून पहुंचता है। ऐसा करने से पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर पहुंचती है और हर इंसान अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है। तो ईमानदार ऑफिसरों को बेईमान बनाने का धंधा, पत्रकारों के ऊपर भी बेचारों पर इतना ज्यादा लोड है कि वो भी जो है तो सच लिखने से घबराते, अच्छी बातें तो वो भी छुपाते, क्योंकि मालूम है अगर लिख दिया तो फिर उनको दूसरे दिन फोन आ जाता, फिर परेशानी पैदा हो जाती। पुलिस ऑफिसर जो ईमानदार है उनको भी बार बार फोन करके गलत काम करने के लिए बोलेंगे। तो ये गरीब को अगर अपना हाथ लेना है, अपना हक लेना है, तो उनको ये सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। चंदन का अगर आपको आस्वाद लेना है, अगर उसका आपको फायदा लेना है, तो उस पर बैठे हुए सांपों को तो दूर करना पड़ेगा ना। अब अगर वो नहीं मानते तो फिर वो चंदन के पेड़ को भी तोड़ना पड़ेगा। और हमने एक नहीं, दो नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल तक किसी को आजमाया है। और वो सिस्टम आज 1994 के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ था, आज वो बच्चा दूसरी या तीसरी मरतबा वोट देने वाला है। तो आप सोचो कि परिस्थिति जब बदली नहीं, 1992 में जब पहला मरतबा, 95 की बात है क्या, 1995 के अंदर जो आदमी 16 साल का था या 17 साल का था, तो आज वो दादा बन गया, उसकी बेटी की शादी हो गई, नाना बन गया, उसके बच्चे घर में खेल रहे, लेकिन उसने मेरे को बताना कि उसने परिस्थिति में क्या बदलाव पाया, वो किस चीज के लिए उनका मोहताज है क्या, वो किस चीज के लिए उन पे निर्भर है क्या? नहीं, बल्कि उसके ऊपर होने वाली तमाम परेशानियों के लिए उन पर निर्भर है। तो हमको जरूरत है इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकने की। आज हमारे जो कैंडिडेट, हमने संयुक्त कैंडिडेट खड़ा किए, इन कैंडिडेट का साथ दो, 4 नंबर का बटन 21 तारीख को दबाओ और अपनी आजादी का ऐलान करो, इस खौफ से आजाद हो जाओ। ये जो लोग तुम्हारे पास में आते हैं, तुमको खौफ डर दिखाते हैं, अभी हमको भी दिखाया जा रहा, हमको भी मोटी रकम बताई जा रही, हम भी बेहतरीन गाड़ी, अच्छा बंगला बनाकर रह सकते मेरे भाइयों, मगर ईमान बेचने से बेहतर 100 साल मत जियो, 50 साल में चले जाना, मगर ईमान मत बेचना। ऐसी जिंदगी से मौत भली मेरे भाइयों। हम राजकारणी नहीं है, हम खिदमत कौम की करते हैं, कौम की खिदमत करने का हमको मजा आता है। हम किसी को धोखा देकर वोट हासिल नहीं कर सकते, हमारी ये फितरत नहीं है। हम आपको जो कहने जा रहे हैं, सिर्फ इतना ही कहना है कि बातें ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डरना कब तक डरना मेरे भाइयों, कि हमारा खून रोड पर खरोटों से ऐसा उठाया जा रहा है, हमारी माँ बहनों की इज्जतें सरेआम लूटी जा रही है, हमारे नौजवान बच्चों पर रहम नहीं किया जा रहा है। ये जय श्री राम के नाम पर भगवान को भी धोखा देकर खून खराबा मॉब लिंचिंग ये रोड पर करते हैं, और ये हमसे मत मांगने के लिए आते हैं, इनको शर्म क्यों नहीं आती? मैं एक शेर पढ़कर इस बात को यही खत्म करूंगा। आप समझ लेना कि दानिश्ता खुद जहर घोल के पिया है तूने। मेरे भाइयों, आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता, हमारा मुल्क जो है अपने दोस्तों से पहचाना जा रहा आज। हमारा मुल्क कांग्रेस के जमाने में पूरी दुनिया के दोस्त हमारे थे, हमारे अरब के दोस्त थे, हमारे यूरोप के अंदर बहुत कम दोस्ती थी, अभी हमारी यूरोप से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है, अभी इजराइल भी हमसे बहुत मोहब्बत कर रहा है। ये निस्ता मोदी जी हाथ में हाथ लेते ना, तो ना जाने इनको कौन सा करण लगता, क्योंकि वहां की असल बातें क्या रहती मेरे भाइयों। जिस माहौल में आप जाओगे वहां का तुम पर असर पड़ेगा। इसका मतलब क्यों है, यहूद नसारा का तरीका जो है वो हमारे तरीके से हटकर है। हटकर क्या है कि वो अपने जिस्मों को सरेआम नीलाम करते हैं और इनको उसका बड़ा मजा आता है। एक हाथ मेरे भाइयों हाथ में लेने के लिए कई करोड़ रुपया मुल्क का खर्चा हो रहा,
ये नरेंद्र मोदी जी को समझता क्यों नहीं कि मुल्कों की बैंकों के अंदर पैसा नहीं है। ये मुल्क आज गरीब हो चुका है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ किसान परेशान है, आत्महत्या हो रही है, और कई हजारों करोड़ों रुपया कहाँ की कहाँ लगा रहे अपना नाम के लिए। यानी इनको नाम क्या है, असल क्या है, क्या ये इनको अगर हम समझाने गए तो हमारे साथ क्या करेंगे, मैं थोड़े में बता देता हूँ। चौहारे बंदर तेरी इंसान जैसी काया, सुगड़न बंदर से गई थी। सुगड़न जो अपना खोपा बनाती ना, तो पानी जोर से गिरता, बंदर बैठा रहता, वो उस पर रहम करने के लिए कहती क्या, वारे बंदर तेरी इंसान जैसी काया, तूने अभी तक घर क्यों नहीं बनाया। अब उसके आंख पे पानी गिरा हुआ रहता, ऐसा झटकता हो वो, और पूछती उससे, वारे बंदर तेरी इंसान जैसी काया, तूने घर क्यों नहीं बनाया। तो उसको गुस्सा आता, वो उसका सुगड़न का खोखा पूरा तोड़ कर फेंक देता। वो बच्चे चिलिन चिलिन करते, वो ऊपर से चिल जाती, वो कहती सीख दे जो उसी को जो सीख को सीखे, सीख दे जो उसी को जो सीख को सीखे, सीख ना दे जो उसी को जो सुगड़िया का घर बंदरिया तोड़ फेंके। इनको तुमको कुछ अभी समझाना नहीं है, ना ही इनसे डरना है। 21 तारीख को 4 नंबर का बटन याद रखना है, अपने माँ बहनों से घर को जाकर, अपने बूढ़े बापों से, अपनी बूढ़ी माओं से कहना है कि आप रहम करो, हम कातिल पहचान चुके हैं, रहम करो, हम आप कातिल पहचान चुके हैं, अब छुपाने से कोई राज छुप नहीं सकता। संजू दादा, अब छुपाने से कोई राज छुप नहीं सकता, भाजपा तेरे दामन से हमारे खून की बुआती है, हमारे खून की बुआती है। वो एक शेर रह गया था कि दानिश्ता खुद जहर घोल के पिया है तूने मोदी जी, दानिश्ता खुद जहर घोल के पिया है तूने, अपने एहसास को भी बेच दिया है तूने, खुद फरेबी को दिया नाम वफादारी का, मुल्क की तहजीब को बदनाम किया है तूने। राष्ट्रवादी कांग्रेस को आपको मत देना है 4 नंबर का बटन। मैं इतनी बात कहकर यहीं पर इस बात को खत्म करता हूं। तुम्हारे बाप दादाओं के हमारे बाप दादाओं पे बहुत बड़े एहसान है। गजानन राव गरोड़ 2 बार आमदार इस तहसील से बने, इसकी जाने हमको, और हम हमेशा रखेंगे, क्योंकि एक बार वो समाजवादी पार्टी से चुन के आए, 52 से 57 से तो 62 और 77 से 78 तक अपक्ष आपने चुन के दिए, जब उनकी हाथी निशानी थी, उनको मंत्री पद भी मिला था 1.25 साल, और सबसे ज्यादा वोट जामनेर में मिले थे और मोहल्ले से मिले थे। मुझे भी 2 बार जो वोट मिले, 2004 में भी मोहल्ले में ज्यादा वोट मिले, 2009 में भी ज्यादा वोट मोहल्ले के वजह से मुझे जामनेर में लीड मिला। मैं आपका एहसान कभी भूलने वाला नहीं, हम एहसान फरमाश होने वाले लोग नहीं, एहसान रखने वाले और एहसान की जिम्मेदारी से खबर देने वाली लेने वाले लोग हमें उस खानदान में हम पैदा हुए हैं। दोस्तों, ये जामनेर नगरी में जो भी चल रहा है, ठाट दपटशाह गुंडागिरी, विकास अपने तालुके का जरूर हुआ, लेकिन 2 नंबर के धंधे वालों का विकास हुआ। सट्टे का पीड़ा बढ़िया, पत्ते के क्लब बढ़े, दारू के अड्डे बढ़े, हुआ के लिए विकास, झूठे नाटे केसेस बढ़े, वकीलों का धंधा अच्छा चला, मोगरे वकील, विकास हुआ ना, इसको भी विकास बोलते भाजपा बोले, विकास यही हुआ, उनको ये विकास ही दिखता, कौन था साक्षात विकास। अरे जे जल संपदा खाता भाऊ तुम्हाला मिळालं, त्या ताणलेल्या तालुक्याची ताण तुम्ही भागवू शकले नाही, आमच्या माय मावल्यांच्या डोक्यावरचे भार उन्हातले प्यायच्या पाण्याचे हंडे तुम्ही कमी करू शकले नाही, याच्यासारखं दुर्दैव तुमचं आमचं कोणतं हो, सही आहे गलत आहे। आपण तो घर में घुसते, मटके में ग्लास डालते, तांब्या डालते, तो पाणी वाला
वो माए मावरिया किधर किधर से पानी लाते हैं अपने को क्या मालूम, सही है गलत है? हमको भी लगा था जल संपदा खाता मिला, अभी अपने तालुका सुजलाम सुपलाम बोलेगा, हरित क्रांति बनेंगी, 8 मई क्षेत्रीय शाश्वत होगी, हमको भी लगा था। नुस्त्या पुढे तापीदा पाणी आणतो, शेळगाव बॅरेजचा आणतो, भागलपूरचा आणतो, नारपारचा आणतो, अरे तू बापा कोणते बी आण पण आणता घरी कोणी हात धरले तुझे, कॅबिनेट घाताय तुमच्याजवळ। हा 6 महिने पहिले आम्हाला गाव में एक भाजप का बुजुर्ग नेता आहे, आम्हाला उसका जरा जमता है थोडा बहुत, अरे म्हटलं त्या भाऊला सांगा 6 महिने राहिले, अरे ते पाणी कोणतं आणतं ते आणा म्हणा भो, नाही तर ते समुद्राचं पाणी आणा, समुद्राचं पाणी आणा म्हटलं खारट पाणी, नरियल की शेती करेंगे बोला हम, पण कोई तुम्ही पाणी लाव यार, हमारे आँख की आँच जो है वो मिटाओ, हमारे आँखों के सामने पाणी दिखले दो। भाजप वाले इतने बेशर्मी है, शर्म उसे कहते हैं जो शर्म से शर्माती है, ये इतने बेशर्म है कि शर्म भी इनको शर्मती है। अरे आखिर तुम्हारी अपनी कुछ पुण्य ही होंगी, अल्लाह ताला को अपने फिकिर होंगी, तो उसने सोचा कि ये तालुके में जल संपदा मंत्री होगी भी पानी नहीं आया, तो इतना बरसा पानी पानी हो गया, तो भी 9-10 दिन पानी अपने पास आ रहा, सही है गलत है? अरे कुछ कुछ भाजप के लबान लोंडे है ना, वो क्या बोलेंगे, पानी आते गिरी बहुत पानी आएगा, इतने बोलने में वो माहिर है, क्या क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। आज बाजार मैंने बहुत सुने, कोमड़ी का बाजार सुना, बकरी का सुना, जानवरों का सुना, किराना दुकान ये वो सब, पर जामनेर में तो आदमी खरीदी करने का बाजार चालू है, बोले केड़े पर चर्चे आए, केड़े पर चर्चे आए, रुमाल डालने के, एक दिन घूमने के 5,000 रुपए, सामान्य आदमी, लोग क्या बोलते हैं, दादा 5,000 रुपये रोज म्हटलं जाव, पण मतदान अरे ते तर म्हणे देवाची शपथ म्हणे मतदान तुम्हाला, क्योंकि पैसा कोई पसीने का नहीं है, अपने भूख का पसीना है वो, कहा नागर अकेली को गए देखे गिरी, हाँ वो तो बोलते थे प्रफुल्ल भाई ने बोला हमारे बाबूजी के पंजनों की चुनाव में, मैं सड़क छापू, मैं रोड छापू, मैं टपरी छापू, मैं रिटायर मास्टर का लड़का हूँ, मैं भाड़े के घर में रहता हूँ, बाबूजी एसी में रहते हैं, सोने के चमचे से खाना खाते हैं, बाबूजी का पैसा लो और मेरे को मतदान करो, बोलते थे कि नहीं, हकीकत है कि नहीं। आज हम बोलते हैं इसने पानी छोड़ने के भी पैसे काश्तकारों से पश्चिम महाराष्ट्र से लिए, तुम्हारा कुंभ मेला वाला सिक्का वो भी इन्होंने लूटा है, तो इनके पैसे ले, पर सदुपयोग बुद्धि जागरूक रख के इस देश में अगर लोकशाही रखना है, भाईचारा रखना है, अमंग रखना है, तो एक हमारे को राष्ट्रवादी के घड़ेल के सामने का 4 नंबर का बटन दबा के हमको करो, ये विनंती मैं आपको करता हूँ, ये आर पार की हमारी आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है आर पार की, वो जो बात बोलेंगे, कोई भाजप वाले ने हमारे कार्यकर्ताओं को अगर दम दिया तो उसने भी सोच समझ के दम देना। मेरा नाम संजय गरुड़ है, मैं दूसरे के खांदे पे बंदूक रख के लड़ता नहीं, मैं जंग में खुद उतर जाता, बाकी खुद होके नाम लेना नहीं, अनहांग पे आए तो छोड़ना नहीं। और पोलीस भी इथे बंदोबस्त घाटी आहे, मतदानाच्या दिवशी जर पोलिसांनी काही पार्सलिटी केली तर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून त्याची नोकरी घालवण्याची ताकद भाजपा आहे, हे पोलीस
डिपार्टमेंटने ऐकून घ्यावं किंवा अधिकाऱ्यांनी ऐकून घ्यावं. बस झाली पाच वर्ष उजरेगिरी चमचेगिरी सरकारचा पगार घेत होते आणि भाजपच्या दलाला अधिकारी करत होते. अरे त्या वर्दीची जरी ठेवा थोडीफार, वर्दी घालताना तुम्ही शपथ घेतलेली आहे 100 अपराधी सुटले तर चालतील पण एका निरपराधीला शिक्षा होता कामा नये, त्या वाक्याची तरी तुम्ही जाणीव ठेवा मला. आयपीसी आम्हाला काय शिकवता? आयपीसी आमचा पार्ट आहे. डराते किसको? अरे आमदे कभी डर कभी पडू तो भाग्यांगा बोलला असे. हा पिस्तोल क्या लेता और बिबक्या मारने को क्या जाता? अरे मैं बोला भाई सामने से कभी राम को क्या गया तो भक्के मिलेगा काय को नाटक कर रहे हैं? अरे तुम्हारे हाथ के नीचे अधिकारी है यंत्र उनको बोलो ना ये तुम्हारा काम नहीं है. हा ये तुम्हारा काम नहीं भाई. अरे तुम मंत्री हो, मंत्री जैसे रहो, मंत्री जैसे काम करो. ये मौका था 5 साल का, एक आता यूनानी कॉलेज ला सकते थे, बीएमएस कॉलेज ला सकते थे, डीएचएमएस कॉलेज ला सकते थे, एमबीबीएस कॉलेज ला सकते थे. सही है गलत है? हाँ उर्दू शायद साइंस नहीं है. एम आई डी सी बोर्ड बहुत चिकना एम आई डी सी का. अरे यहाँ पीने को पानी नहीं तो कौन सी फैक्ट्री आने वाली है भाई? इधर जू दिया पानी है पर प्याला पानी नहीं है. ये तुम्हारी कारकिर्द है, ये तो नामर पड़ा है. क्या इतना बड़ा खाता होके भी इस तहसील के एक ये मूल के लोग पानी के लिए तरस रहे धुपकाले में? ये बहुत बड़ा शाप उनको लगने वाला है. अरे अल्लाह के दरबार में देर है अंधेर नहीं है. एक दिन तो सबको जाना है. दम क्या क्या देते? हमको कोसना है तो हाथ ऊपर उठा के कोसो. सामने वाले ये समझते के दुआ मांगता है, इसको धमकी उसको धमकी, इसको ईडी की चौकसी इसको सीबीआई की चौकसी. क्या गुनाह करा ये लोगों ने? जो संस्था महाराष्ट्र में जिसका मुल्क में अपने राज्य में नाम था वो संस्था मिलाने के लिए झूठिया नाटिया केसेस बना के डर उनको लगाए मारवाड़ी लोग डर जाएंगे एक दो केस डाली तो. आज कितने केसेस भारत हो? 22. हफ्ता भर उनका केस कोर्ट में ज्यादा टाइम, कभी हाई कोर्ट, कभी जलगांव, कभी वो तुम्हारा धर्मादायित्व, कभी नासिक, कभी धुलिया, कभी पूना. क्या करना है लोगों ने? तुम्हारा अपने जैसे रहे तो मर जा रहा है, छोड़ दे रहा जा भाई. सही है गलत है? अरे ये ले, अरे मंत्री है ना तुम्हें, यांच्या नाकावटीतून दुसरी संस्था काढली असते. तुमची जमीन ही थे, तुम्हारा काय कमी है? काय कमी है तुम्हारा? याच्यापेक्षा मी चांगली सुपर संस्था तुम्ही काढू शकले असता. पण आयत्या मिळत नागोबा, कसं घुसता येईल तसं घुसा. अरे कार्यकर्ते कसे पाहिजे, नेता कसा पाहिजे? कार्यकर्त्यांच्या घरावर नजर ठेवणारा नेता? कोणाच्या घरी वाकून काय पाहतो, कोणाकडे काय किरप्या नजरेने पाहतो? हा आमच्यामध्ये एकही दाखवून द्या असा नेता कोणत्या आया बहिणीकडे वाईट नजरेने पाहतो का? कुठे चालले तुम्ही, कुठे गेले तुम्ही, तुम्ही राहिले कसे पाहिजे, वागले कसे पाहिजे, बोलले कसे पाहिजे, कामं कसे गेले पाहिजे? संधी होती, आलेली संधी वाया घालवली. अरे विकास झाला असता भाऊ तर तुमच्या विरोधात कोणी फॉर्मही भरला असता, लोकांनी तुम्हाला बिनविरोध काढून दिलं असतं. पण विकास विकासाच्या नुसत्या गप्पा. 200 कोटी आणतो, 300 कोटी आणतो, रस्त्याचे कामं 3-3 वेळा, लाईटाचे खांब्याचे कामं 3-3 वेळा, गटरीचे कामं 3-3 वेळा. हा अरे ये बड़े मुंह के बड़े लबार क्या मुंह ले जाएंगे साहब के दरबार? बताते कुछ करते कोई निराले इनके धंधे. हम तो कहते नथुराम गोडसे के बंदे. 65,000 पुलिस भर्ती हुई थी, हुई थी क्या नहीं? 10 साल में, 5 साल में,
हाँ कृषि सहायक भरे गए, तलाटी भरे गए, ग्राम सेवक भरे गए, उर्दू स्कूल हो या मराठी जिला परिषद की स्कूल हो उसमें शिक्षक भर्ती हो गई। हमारे जैसे प्राइवेट संस्थाओं में शिक्षक भर्ती की परमिशन मिली, इनके राज में तो कोई भर्ती नहीं हुई, कोई नहीं भर्ती ऐसी निकालते। अभी आचार संहिता लगने वाली है, पवित्र का भर्ती का नाम भी इतना अच्छा है, पवित्र पोर्टल भर्ती नाम तो इतने निकालते वो चुन चुन के, क्या कौन सी डिक्शनरी उनके पास। बहुत अच्छी सर सगट कर दो माफी मेरा जनधन हजार पर रोला डालेगा। हाँ क्या बोल लेंगे, रोज जी आर बदला था, रोज नियम बदला ये। पहले मैंने नवरा बायको या नंतर मैंने एकत्र कुटुंब असेल तर सुनबाई मुलालाही घेऊन या, हा कागद द्या तो कागद द्या। अरे कर्ज तर काही सर सगळं माफ झालं नाही, पण झेरॉक्स वाल्यांच्या बिल्डिंगा बाकी होऊन गेल्या बघा। सही आहे गेलं ते हो, झेरॉक्स वाले तर बहुत दुआ देते उनको, हाय अल्लाह पण दुआ भी तुम करो। ये नाटक कंपनी है, भाजपा बोले तो नाटक रायरंगी कंपनी, कोई सांप पकड़ता, कोई वो चूहा पकड़ता, कोई घोरपड़ पकड़ता, अरे अरे मंत्री तुम्ही काय ये पकड़ता। तो ये बात है, ये सब दिखावा है, ये नाटक कंपनी है। अरे शरद पवार साहेबांनी आणि मनमोहन सिंग सरकारने 2008-09 मध्ये कर्जमाफी केली, कोणाला कागद द्यावा लागला का? खात्यावर किती दिवसात पैसे आले? 8 दिन के अंदर कर्ज के खाते माफ हुए और 90 दिन वापिस उसको पुनर्गठन का कर्ज मिला। मिला क्या नहीं मिला? अरे ये लबार 4 साल से अभ्यास कर रहे कर्ज माफी का, इनको अच्छा अभ्यास करने के लिए घर को भेजो, अभी बहुत अभ्यास हो गया इनका। अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं तो काय को तुम सरकार चला रहे? हाँ सरकार चलाना कोई मामूली बात है क्या? ये आरएसएस के फंडे वापर रहे, समान नागरिक कायदा आएगा, एससी एसटी एसबीसी बीजेपी अबकड़ा ओबीसी सबका आरक्षण निकाल लेंगे ये लोग और सबको एक दूरी में गिनना चालू कर देंगे। अरे स्कूल बंद करने को निकले तो काँग्रेस ने हा देश 70 वर्षात उभा केला, यांनी 5 वर्षात आडवं करायला सुरुवात करून दिली हो, आणि म्हणता की जय श्रीराम, पहिले रखो टेबल पे दाम फिर बनेगा तुम्हारा काम। तो उद्धव ठाकरे बोलता तुम्ही का उष्टपाष्ट, आम्ही खाऊ धष्ट, आम्ही धष्ट पुष्ट, जय महाराष्ट्र। अरे का नाटक करता एकमेकाला, अफजल खान काय म्हणता, गब्बर सिंग काय म्हणता? हा लोकांना बनवा बनवी करण्यामध्ये फार माहिर आहे, हे कोणत्या स्टेशनचं तिकीट काढतील, कोणत्या स्टेशनवर नेऊन सोडतील आपल्याला, त्याचा भरोसा ठेवू नका। म्हणून म्हणतो मित्र हो, लोकशाही ठेवायची का हुकुमशाही ठेवायची? लोकशाही पाहिजे ना, मग मत कोणाला देणार तुम्ही? घड्याळाला हुकुमशाही आणणारांना तुम्ही आता हद्दपार करण्याची वेळ, या राज्यापासून तुम्ही सुरुवात करा अशी मी कळकळीची विनंती करतो। 25 वर्ष भाऊंचे पाहिले, 5 वर्ष फक्त आमचे पहा, आम्ही आमदार जरी झालो असं म्हणणार नाही आमचं सरकारने हे काम होत नाही का ते काम होत नाही, काम कसं होत नाही, मग आम्ही हे संबंधित खात्याचे अधिकारी आहे, काम काम तर वाजवून गेले की का करू, पण असे उलटे सीधे घराने सांगणार नाही, नाश्ता येईना अंगणवाकडे, स्वयंपाक येईना ओलेलाकडे। अरे मंत्री असल्यावर सुद्धा कामं होत नाही तुमचे, फक्त कामं कोणते, याची नोंदवा, याला सोडा, तो माझा माणूस आहे, त्याचा पत्त्याचा धंदा चालू द्या, त्याचा सट्ट्याचा चालू द्या, त्याच्या दारूच्या याच्यावर गुत्त्यावर धाड टाकू नका। अरे एका मंत्र्यांचे काम आहे का हो? अरे त्या पोलीस डिपार्टमेंटला जरा त्यांच्या मनमोकळेपणाने काम करू द्या। एक काळ होता पोलिसांचा,
लंडन नंतर मुंबईच्या पोलिसांचं नाव निघत होत, एवढा नावलौकिक होता आपल्या महाराष्ट्रातल्या पोलिसांचा, पण ते बी इतके मी नेऊन गेले होता. काय करावं त्या अधिकाऱ्याला तुम्ही फार बोलतो, तो नजीर शेख आहे ना, नजीर शेखला म्हटलं तू 27 रे भाऊ, तू महाराष्ट्राच्या बाहेर तर काही जाणार नाही, तुला इथे आणून कधी नाही वापस होऊन घेतलं तर मला संजय करू नको म्हणतो, मला ये भाषा में बोले मैं उसको अन ढूंढना मैं अभी से उसको, क्योंकि मेरे को भी चल लग गई तुम सब अभी बदलाव करने वाले हैं, अन ये टाइम पत्ता बदलाने वाले हैं, आमदार करके गिरे नहीं पर मंत्री करके गिरा रहा है अपने बोले, ये क्या कर रहे हो आप. पुनः भेटू तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज, नमस्कार.